नमस्ते सदावसले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल, चाइना की PL-15 से क्या हमारा राफेल उसका मुकाबला कर पाएगा या फिर इस भयंकर मिसाइल से बच पाएगा? एक बड़ा सवाल अभी तक उठता आया है क्योंकि PL-15 मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसे काफी घातक माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों चीन लगातार कई तरीके के एयर टू एयर मिसाइलों पर काम कर चुका है जो कि बेहद घातक भी है। ऐसे में उसकी जो एडवांस PL-15 है उसको लेकर कई बार शंका भी जताई जाती है, क्योंकि राफेल के आने से चाइना की आखिर सट्टी पिट्टी गुल क्यों है, उसके पीछे का रीजन आप जानेंगे। क्योंकि दोस्तों PL-15 जिसे कि चाइना की सबसे लेटेस्ट वो भी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने कहा ना कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका अगर वर्तमान का स्टेटस जाने यानी कि स्थिति को जानते हैं तो वो भी अज्ञात है। और इसे चाइना के फाइटर जेट J-20 के वेपन बे और J-11 के विंग पायलॉन्स में भी देखा गया है। जहां तक बात करते हैं इसकी ऑपरेशनल स्टेटस के बारे में, उसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता है वो है 400 किलोमीटर और इसकी जो स्पीड है वो है Mach 4। इस मिसाइल के सामने लक्ष्य को खोजने के लिए ISR सीकर है। ये हवा से हवा में मार्क करने वाली मिसाइल रशियन KS-172 की श्रेणी की है, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के SU-30 फाइटर जेट के द्वारा भी संचालित किया जाता है। और इस प्रकार के मिसाइलों का उपयोग बड़े लक्ष्यों जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि परिवहन विमान, अवाक्स और एयर टैंकर यानी कि वायु ईंधन भरने वाले जो विमान है उन्हें निशाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि अवाक्स, एयर रिफ्यूलर या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये मैनुअल नहीं होते हैं। लेकिन चाइना की PL-15 को इस तरीके के टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए नहीं बनाया गया, यानी कि जो टारगेट मैनुअल नहीं होते हैं उनके लिए चाइना अपनी इस नई मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि चाइना क्या राफेल के खिलाफ PL-15 का इस्तेमाल करेगा? तो इसमें कोई शक नहीं है, उसने करनी ही करनी है। दरअसल दोस्तों राफेल जो कि एक उच्च पैतरेबाजी उड़ान के लिए जाना जाता है, वो आसानी से इस मिसाइल से बच सकता है। लेकिन चाइना के पास PL-21 और PL-12 जैसे अन्य विकल्प यानी कि ऑप्शंस भी हैं, जिनकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है, लेकिन ये भी बेहद खतरनाक है। चीन की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, इसका जवाब राफेल के पास है। क्योंकि दोस्तों राफेल में स्पेक्ट्रा सुरक्षा प्रणाली लगी है यानी कि स्पेक्ट्रा प्रोटेक्शन सिस्टम। ये प्रणाली राफेल को किसी भी तरीके के हमले से खुद को बचाने में मदद करती है, भले ही दुश्मन की मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली हो या फिर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला हो। क्योंकि ये प्रणाली सेंसर से लैस है जो लंबी दूरी से आने वाले दुश्मन की मिसाइलों को पता लगा सकती है। ये अपने सिग्नेचर के आधार पर मिसाइल के प्रकार में अंतर कर सकता है। राफेल विमान ऑटोमेटिकली यानी कि स्वतः रूप से काउंटर मेजर्स को रिलीज कर सकता है, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट की रक्षा हो जाती है। और ये मिसाइलों को गुमराह करने के लिए एक तरीके का डिकॉय को डिप्लॉय करता है, जिससे कि दुश्मन के मिसाइल के लिए वास्तविक लक्ष्य की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। स्पेक्ट्रा ISR जैमर से लैस है जो एक लंबी स्टैंड ऑफ रेंज से दुश्मन के मिसाइल को जाम कर सकता है। राफेल में एक्टिव कैंसिलेशन तकनीक भी है। इस तकनीक में स्पेक्ट्रा सिस्टम दुश्मन सिस्टम के रडार संकेतों की पहचान करता है, साथ ही राफेल का यह सिस्टम तेजी से रिवर्स फेज में समान संकेत उत्पन्न करता है, जिसका मतलब ये होता है कि दुश्मन के रडार सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। और राफेल का RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है, जिसका मतलब साफ है कि दुश्मन के रडार की जो डिटेक्शन रेंज है वो कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों बहुत ही कठिन होगा किसी लंबी दूरी से राफेल विमान को टारगेट बनाना। ऐसे में चीनी लड़ाकू विमानों के लिए राफेल को निशाना बनाना और तबाह करना बेहद मुश्किल काम होगा, यहां तक कि उनके J-20 को भी राफेल पर हमला करने और उसे तबाह करने के लिए भी काफी परेशानी आ जाएगी। और लीबिया में दोस्तों राफेल विमान ने तो अपनी ताकत दिखाई थी। दोस्तों सबसे खास बात यह कि चीन अभी भी अपने J-20 लड़ाकू विमान को चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीन अपने फाइटर जेट को डाउनग्रेड कर रहा है, बल्कि वो अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो पहली और दूसरी पीढ़ी को एक साथ जोड़ते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण प्रणाली बना रखी है उसके तहत तो F-15 को वो तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहते हैं। तो इस तरीके से ये बात साफ है कि चाइना की ये सबसे एडवांस PL-15 मिसाइल भी राफेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि राफेल अपने आप में इतना सक्षम है कि इस तरीके की मिसाइलों से बच भी सकता है और इनका जवाब भी दे सकता है। भले ही दोस्तों जानकारी छोटी है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुश्मन के बारे में हमें हर चीज का पता होना चाहिए और हमारे पास क्या काउंटर मेजर्स हैं उसका भी पता होना चाहिए। तो साफ तौर पर जाहिर है इस बारे में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, किसी भी तरीके का कोई
सवाल नहीं उठता कि चाइना की PL-15 राफेल के लिए घातक नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।